साउथ डीसीपी पी साई चैतन्या आईपीएस का बेहतरीन कारनामा। जी हां नाजरीन, आज बतारीख 12 अगस्त बरोज़े हफ्ते को साउथ जोन डीसीपी पी साई चैतन्या आईपीएस ने एक बहुत बड़ा और बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया, जहां पर दारुशिफा ग्राउंड के पास गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल का दौरा किया और वहां के स्कूल के नाबीना बच्चों से मुलाकात की। इन बच्चों में शूज़ तकसीम किए गए। ये गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल वर्ल्ड में सबसे पुराना और कदीम यानी निज़ाम सरकार के दौर से ये स्कूल चलाया जा रहा है। डीसीपी ने अपने जाती अखराजात से इन बच्चों में जूतों की तकसीम अमल में लाई, बच्चों से बातचीत की और इनके मसाइल के बारे में वाकफियत हासिल की और इन्हें तयकुन दिया कि इनकी जानिब से हर मुमकिन मदद की जाएगी। 15 अगस्त को निकाले जाने वाली प्रभात रैली के बारे में भी तफसीलात मालूम की गई। इस मौके पर बच्चों ने अपने अपने जौहर के नमूने पेश किए। साउथ डीसीपी ने तमाम बच्चों को कहा कि पुलिस फ्रेंडली पुलिस है और वो हमेशा इनके साथ है। अगर कोई परेशानी हो तो बिला झिझक पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इस मौके पर डीसीपी के अलावा दीगर पुलिस अहदेदारान भी मौजूद थे। सबका आदाब। आज यहाँ पे हमारा दारुशिफा के पीछे जो ब्लाइंड स्कूल ब्रेली स्कूल है, गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश स्कूल है, उसको विजिट किया गया। अभी बातों में पता चला ये पूरा दुनिया में ओल्डेस्ट एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट स्कूल फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली ब्लाइंड के लिए। निज़ाम सरकार का टाइम से ये चल रहा है। यहाँ पे आए, बच्चों से इंटरेक्ट किया, उन लोग को क्या क्या डिफ़िकल्टीज है, हम लोग का साइड से क्या क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी पॉलिसी इनिशिएटिव के साइड से हम लोग आए और उनसे बात किया। और इस मौके पर हम लोग पता किया था, पहले ही पता किया था, उन लोग के पास शूज़ जूते नहीं थे तो सबके लिए जूते भी लाए और डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और उन लोग अभी आने वाला जो अगस्त 15 का भी उन लोग का एक प्रभात रैली निकलते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस किया, बच्चों से इंटरेक्ट किया। अच्छा लगा बच्चों से इंटरेक्ट करने से, उन लोग को दिक्कतें क्या क्या है, उन लोग का कैसे चल रहे हैं वो भी हम लोग को पता चला। और साथ साथ हमारा भी मैसेज बच्चों को पहुँचाया कि पुलिस हमेशा उनका साथ है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी किसी किस्म की तकलीफ़ है वो बेशक पुलिस को कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी दिया ताकि आप आसानी से उन लोग हमको कॉल करें। और उन लोग से इंटरेक्ट करते वक्त बहुत लोगों का अलग अलग टैलेंट था, कोई अच्छा मिमिक्री कर रहा है, कोई अच्छा गाना गा रहा है और अलग अलग डिफरेंट स्किल्स हैं, उन लोग के भी हम अप्रिशिएट किया। और आगे जाके भी उन लोग से मिलते रहेंगे और उनका क्या उनसे इंट्रैक्शन की वजह से उन लोग का जो डिफ़िकल्टीज है, जो कम्युनिटी पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन लोग मिटा सकते हैं या जो हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प कर जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।